हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेआईबी नवंबर 2019 का एग्जाम जो होने वाला है उसके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ है, ओके। अब हम लोग इसमें एक वीडियो का जो टाइटल लिखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, भाई बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिए। होता यह है और हम लोग यही बोलते हैं, जब आपका आंख खुले तभी से सवेरा, ठीक है। यानी बहुत सारे लोगों का डिसीजन ये होता है। अच्छा चलिए, मैं डिसीजन से पहले आपको कुछ चीज बताता हूँ। ये वीडियो जो देख रहे होंगे, 100 में से 90 लोग वैसे लोग होंगे जो एग्जाम दे चुके हैं, रिपीटर, और 10% फ्रेशर होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन कारणों से मैं ये सब चीज बता रहा हूँ, रीजंस बिहाइंड फेलियर, रीजंस बिहाइंड फेलियर, आप क्यों फेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज ये है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम ये सोचते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, अभी क्या करने की जरूरत है, आराम से हो जाएगा, बस चला गया। फिर है लैक ऑफ टाइम, और जो लोग पढ़ने के भी इच्छा रखते हैं उनके पास समय नहीं होता, देख के घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप कैसे होगा, क्या करेंगे। अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक इतनी मोटी है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, खुद ही बुक देख के आप पढ़ेंगे नहीं। कम से कम 600 पेज से या 700 पेज के बीच का होता है ये, ठीक है ये, और ये आपको पढ़ना खुद है, समझना भी खुद है, ना इसमें क्वेश्चन बैंक होता है, ना इसमें मॉक टेस्ट होता है, कुछ नहीं होता, वो सब आपको अलग से लेने होंगे, ठीक है। और एक एक बुक की जो प्राइस होगी कम से कम मेरे समझ से 500 से 700 के रेंज में है, ठीक है। कहीं डिस्काउंट मिले 500 में रहता है, 700 रुपए का भी है, ठीक है। फोर्थ थिंग, सबसे बड़ा काम करते हैं हम लोग क्या, शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मारते हैं। तो शॉर्टकट मारने से क्या हो जाता है, हम सोचते तो है कि शॉर्टकट मारेंगे मंजिल पहुंच जाएंगे। जितने भी बड़े लोग बने हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन क्रैक किए हों, चाहे वो एग्जाम पास किए हों, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो जो भी, मतलब एक पास भी किया होगा, तो शॉर्टकट से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको थोरो प्रिपरेशन चाहिए यहाँ पे। ये जस्ट लाइक है, वैसा नहीं होता है कि चार लाइन, बोर्ड का एग्जाम नहीं लिख रहे ना हम लोग, कोई बोर्ड का एग्जाम तो लिख नहीं रहे कि हमें पता है कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कौन से होंगे। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पहले मालूम होता है 10th 12th के एग्जाम में कि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, पर यहाँ पे नहीं होगा शॉर्टकट, क्योंकि ये जो आप एग्जाम दे रहे हैं जेआईबी में, अगर आप 90 बच्चे फेल कर गए हैं, तो कोई फेल करके जो रिपीटर्स हैं, जो 90 बच्चे, वो क्यों फेल करके, वो क्या ऐसा सारा काम नहीं किए होंगे, सारा काम करके गए, वो सारा का सारा काम किया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने शॉर्टकट भी नापा, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने नोट्स डाउनलोड कर लिया हो, कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा, फिर उन्होंने वीडियो भी डाउनलोड किया होगा, वीडियो मतलब यूट्यूब की वीडियो बता रहे हैं, डाउनलोड नहीं, यूट्यूब की वीडियो प्ले किया होगा, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो भी देखा, ठीक है, दुर्भाग्यवश रिजल्ट नहीं आया। ये सारी चीज क्या है, इनकम्प्लीट है। आप सोचो, अगर नोट्स की हम बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी अगर आपको 70 पेज का या 100 पेज का नोट्स दे रहा है, बुक में कितना है, 600-700 पन्ने, ठीक है, तो ठीक है, आप उसको छोटा कर सकते हैं, छोटा करने का एक लिमिट होता है, दायरा होता है, ठीक है। इसकी जो फॉन्ट साइज आप देखिएगा, काफी बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है फॉन्ट साइज, और इसका देखिएगा फॉन्ट साइज कितना पतला होता है, ठीक है। इस फॉन्ट साइज में अगर कन्वर्ट करेगा तो मुश्किल से 30 पेज होंगे, क्या 30 पेज पूरा बुक हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, सीधा सीधा नहीं पूछता है कि फाइंड द दिस एंड फाइंड द डेट, पूरा घुमा घुमा के आपसे पूछेगा, ऐसे ऐसे पूरा घुमा देगा, जिलेबी की तरह घुमा देगा। यानी जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, है ना, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर पास करना चाहते हैं तो, ठीक है, बार बार एग्जाम नहीं देना चाहते, जुआ नहीं खेलना चाहते अपने साथ, तो ये चीज है। अगर कोई YouTube का भी जैसा वीडियो देख रहे, तो YouTube का वीडियो में क्या, एक तो इनकम्प्लीट है पूरा, और मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो आपको जानना होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा चीज हो गया कि मेरे को मन में डाउट है तो मैं किसके पास जाऊंगा, वो फंस गया आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रहता, ये सब नहीं रहेगा, मॉक टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, आप कैसे क्या करेंगे, ये सब बहुत बड़ा रीजन है जिससे आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं, ठीक है। खैर, ये सब चीज अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आप पास कर जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मॉक टेस्ट की ऐसे नीड नहीं है। मेन थिंग क्या होता है, जो बच्चा
पढ़ के जा रहा है जो भी आप पढ़ के जा रहे हैं वो आप ऐसा पढ़ना है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो चीज ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डाउट आ जाए मन में तो पूछ लेना है आपको, ठीक है। पूछने के वक्त पहले पूछे तो कोई बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज होता है, तो अगर आप ये सब चीज करेंगे तो बिल्कुल पास करेंगे। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि पक्का पास कर जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब आपका आंख खुले तभी सवेरा है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम आज कर लेंगे कल कर लेंगे, आपको डे वन से करना है। अगर आज एग्जाम दे के आए एनसीआईबी के, अगले बार सीआईबी देना आज से लगी, 10 दिन के बाद से मत लगी। आपका दिन कहना कि खत्म होगा, सिलेबस एज इट इज रहेगा। सिलेबस किसी के लिए कम होगा क्या? नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। आपको अपने साइड से कोई भी कमियां नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसमें देखिए 100% आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, लोगों के मन में यही चीज रहता है। देखो भाई एक चीज तो मैं पहले बताऊंगा, समय निकालना पड़ेगा, टेक टाइम, टेक आउट टाइम फॉर स्टडी। अगर आप स्टडी करने के लिए समय नहीं निकालोगे तो आप फंसोगे, ठीक है, आप फंसोगे। आप एग्जाम से एक दिन पहले भी ज्वाइन करें, 2 दिन पहले ज्वाइन करें, हफ्ते भर, 15 दिन, महीने भर, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पहले जब भी ज्वाइन करें समय निकालना होगा, ठीक है। आपको ज्यादा समय निकालना होगा अगर एग्जाम से नजदीक आ रहे हैं तो, ठीक है। मान लीजिए कि आप 30 दिन बचा है, ठीक है भाई, आपको 3 घंटा निकालना पड़ेगा। 60 दिन बचा है तो आपको 2 घंटे में भी काम चल जाएगा, ठीक है। 15 दिन बचा है तो अब आपको 6-6 घंटा निकालना पड़ेगा। 6 घंटा नहीं निकालिए तो कम से कम 4 घंटा तो जरूर निकालना पड़ेगा। 10 दिन बचा है तो अब आपको 6-6 घंटा निकालना पड़ेगा। 7 दिन बचा है, 8 घंटा निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपको, देखो शेड्यूल तो आपको एजिटिज रहेगा। अब सीधी सी बात है, कौन सा स्लैब आपको सूट करता है, ठीक है। 7 दिन में पढ़ना चाहिए तो ये करो, ठीक है। अगर आपको लगता है 10 दिन में तो ये, बट मेरे समझ से सबसे बढ़िया क्या रहता है, जितना पहले से, जो मान लीजिए 6 महीना पहले ज्वाइन किया है वो मात्र आधा घंटा पढ़ेगा, उतना ही काफी है उसके लिए। पढ़ो 6 महीने पहले, 6 महीने समय है नहीं, अब मुश्किल से बच रहा है क्या, किसी के हाथ में 60 दिन है तो अभी 30 दिन बच रहा है, ठीक है। अभी 60 दिन है, घटते घटते 30 होगा, 30 से 15 होगा, 15 से 10 हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा, फिर 1 दिन बचेगा। आप समझिए ना, डे घटते जा रहा है। तो अब आपको कम से कम अभी माइंड सेट ऐसा करना है कि अभी आप 3 घंटा का समय निकालें। अब 3 घंटा अगर समय निकाल रहे हैं तो आप पक्का पास कर जाएंगे, 100% पास कर जाएंगे। 3 घंटा समय कैसे निकलेगा वो भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है, जब रात आए ऑफिस से घर आइए तो आप शाम को भी 1 घंटे से 2 घंटा समय निकाल सकते हैं। मॉर्निंग को, ये तो हो गया इवनिंग के टाइम की बात हो गई। मॉर्निंग को अगर आप 6 बजे उठे, नहीं उठ पाते हैं तो भाई 7 बजे पक्का उठे, 7 से 8 या 9 तक भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि ब्रांच कितनी दूर है, कैसा क्या है। या फिर 7 की जगह 6 भी कर सकते हो, 6 बजे भी उठ सकते हो आप, क्योंकि 6 बजे उठना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 7 बजे उठना, ठीक है। आप जितना, आप ये मत करिए कि सोइए झूठ मूठ का अननेसेसरी, सीधी सी बात है, आप पहले का इंक्रीमेंट लूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन में डिले होगा ही होगा, ओके। ये सब चीज बात थी जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आता हूं सक्सेस रेट पे, ठीक है। टेक आउट टाइम, जो मैंने आपको टाइम आपको तो निकालना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2, लिसन वीडियो केयरफुली, लिसन वीडियो केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना है वीडियो। नोट डाउन एवरीथिंग रिटन इन द बोर्ड, रिटन इन द बोर्ड, जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, रिटन ऑन बोर्ड, जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सारे चीज को कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप अपने नोटबुक में, फुल स्टॉप कॉमा सब लिख दो, पांचवा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक रिवीजन करना है रेगुलर बेसिस पे, और कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है आपको एक रेगुलर बेसिस पे।
तो आप अगर इतना चीज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगेगा कुछ भी आपको छूटा करने के लिए। यही चीज है जो 100% आपको सक्सेस दिलाएगा। नोट्स हमेशा अपना बनाइएगा, हालांकि मैं सब कुछ दूंगा ही अपने साइड से, ये तीन चीज करेंगे तो आप पक्का निकल जाएंगे। लोगों से बीमारी क्या है कि वीडियो देख लेते हैं, क्या करेंगे वीडियो देख लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं पीडीएफ भी देता हूं, तो लोग क्या है नोट्स बना लेंगे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अरे तो उससे रिजल्ट कहां आएगा, पढ़ोगे नहीं, नोट्स बनाओगे नहीं। नोट्स में बनाने क्यों बोल रहा हूं, बनाइएगा तो मनी मन कुछ ना कुछ बोलिएगा तो आपको अच्छा से तैयारी हो जाएगा, रिविजन करने में हेल्प होता है, वही नोट्स लास्ट मोमेंट में रिविजन करने में हेल्प होता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए और आगे। अब आइए कोर्स कंटेंट पे। ठीक है, मेरे यहां दो तरह के कोर्सेज है, पहला है पीपीटी वीडियो कोर्स, इसको टाइप्स ऑफ कोर्सेज कर लीजिए, टाइप्स ऑफ कोर्सेज। देखो कि पीपीटी वीडियो कोर्स, दूसरा हो गया फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ठीक है, पीपीटी वीडियो कोर्स के मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स रहेंगी, स्लाइड्स चलेगा और आवाज आएगा। फेस टू फेस मतलब टीचर बोर्ड पे आएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा, जस्ट मैं आपको जैसे समझा रहा हूं। ठीक है, इस कोर्स से ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। ठीक है, बट कब सक्सेस रेट है, जो मैंने आपको तीन स्टेप्स, सॉरी चार स्टेप्स बताया है वो करना है, जो भी मैंने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया तब तभी है। नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, वीडियो पूरा सुनेंगे। ठीक है, और जो बच्चा एग्जाम दिया है और वो फेल हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई ये कोर्स करना मैंडेटरी है। आप सिंपली यही कोर्स करिए। अगर पीपीटी क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन चलेगा, स्लाइड्स आएगी, पीछे से आवाज आएगा। ठीक है, फेस टू फेस कोर्स क्या होगा, टीचर बोर्ड के ऊपर पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बताओ, अच्छा लग रहा है ना, सुनने में इजी है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, ज्यादा बेहतर समझ में आता है। अब आइए कोर्स करते हैं। क्या है कोर्स कंटेंट, देखिए सबसे पहला हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स, फिर हो जाएगा आपका पीडीएफ में नोट्स रहेगा, ऐसा कर लीजिए, नोट्स रहेगा पीडीएफ में, अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, आपको क्वेश्चन बैंक रहेगा। ठीक है, ₹3,500 × 3, यानी 3,500 का पर पेपर है, गुने तीन मतलब तीन पेपर हो गया उसका। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 10,500। इसमें भी दो पार्ट है, एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और एक है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये दोनों आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या रहेगा, 10 मॉक टेस्ट पर पेपर है, 10 × 3 टोटल हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट। ये सिर्फ आपको फेस टू फेस कोर्स में। ठीक है, ये सारा कंटेंट हो गया आपका। अब यहां पे पीपीटी
वीडियो कोर्स अगर आप ले, और यहाँ पे फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप JAIB का प्रिंसिपल्स या फिर आप लीगल लेते, कोई भी पेपर ले लीजिए, इसमें दाम इसका 600 रुपए, इसमें दाम इसका 1200 रुपए। JAIB का अगर आप अकाउंटिंग लेते हैं, इसका दाम है यहां पे 800 रुपए और यहां पे 1500 रुपए। अगर आप JAIB का कॉम्बो पैक लेते हैं, यानी तीनों पेपर ऑल थ्री, उसको हम बोलते हैं कॉम्बो पैक, उसका दाम है यहां पे 1500 रुपए और यहां पे 3000 रुपए, ठीक है। सबसे बेस्ट कोर्स यही होता है, यही करना चाहिए, ठीक है। विवाह क्या होता है, बहुत सारे लोग बाद में पीपीटी कोर्स करके बाद में इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं, आपको फिर से पूरा पैसा देना पड़ जाएगा, क्या फायदा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर हो गया 4×9=68-5127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है www. यहां लिख लीजिए www.JAIIBCAIIB study material.com। ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com, ठीक है, थैंक यू।